उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में बीते दिनों एक युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है। मुंडा पांडे से ट्रक चालक है, जो कई दिनों से लापता चल रहा था, जिसका शव अमरोहा देहात क्षेत्र में मिला है। सारे मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें पता चला कि ट्रक चालक की गला दबाकर हत्या की गई थी और उसके सर पर धारदार हथियार से वार किया गया है। बुधवार को चालक के परिजनों ने अमरोहा पहुंचकर उसकी शिनाख्त की है। दूसरी ओर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने मुंडा पांडे थाने व हाईवे पर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रक चालक रोहित कुमार पुत्र सत्यवान सिंह मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के जेतपुर बिसाठा गाँव का रहने वाला है। परिवार में पत्नी के अलावा चार भाई भी हैं। रोहित दूसरे नंबर का था। चालक के भाई रवि कुमार ने बताया कि रविवार को रोहित मुरादाबाद जाने की बात कहकर घर से निकला था, दोपहर बाद तक वापस नहीं आया। भाभी अनु ने शाम को 5 बजे फ़ोन पर संपर्क किया, मोबाइल पर घंटी जाती रही लेकिन कोई फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। रात 10 बजे मोबाइल पर घंटी जानी भी बंद हो गई। दूसरे दिन मुंडा पांडे थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, रिश्तेदारों में तलाश किया लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मुरादाबाद में भी जानकारी की लेकिन कोई पता नहीं चला। बुधवार को अखबार में खबर पढ़कर अमरोहा देहात थाने पहुंचे। रवि कुमार ने शव की शिनाख्त भाई रोहित कुमार के रूप की। परिजन शव को मुंडा पांडे ले गए हैं, वहां पर थाने में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। हाईवे पर भी प्रदर्शन किया है। सारे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की बात कही है, जिसको लेकर परिवार के लोगों ने न्याय की गुहार लगाते हुए अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है और इसकी निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है।